नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मध्देश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के संभल में उस वक्त करीब 30 मजदूर भीतर थे। 15 घंटे की मशक्कत के बाद 15 मजदूरों को बाहर निकाला जा सका, जिनमें से 5 की मौत हो गई है। 15 और मजदूरों के दबे होने की आशंका है। देर रात एनडीआरएफ एसडीआरएफ दमकल की टीम बचाव में लगी हुई है। संभल कोल्ड स्टोरेज की छत ढही। बता दें कि इस्लामनगर रोड स्थित एआर कोल्ड स्टोर के एक हिस्से की छत भरभराकर गिर गई। उस वक्त करीब 30 मजदूर भीतर थे। 15 घंटे की मशक्कत के बाद 15 मजदूरों को बाहर निकाला जा सका, जिनमें से 5 की मौत हो गई। 15 और मजदूरों के दबे होने की आशंका है। देर रात तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ दमकल की टीमें बचाव में लगी रही। देर रात 1 बजे तीसरे और 1:45 पर चौथे मजदूर का शव मलबे से बाहर निकाला गया, जबकि घायल इश्तियाक की अस्पताल से जाते समय मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शीतगृह में सुबह से आलू भरने का काम किया जा रहा था। शीतगृह के कुछ समय पहले बने नए हिस्से में करीब 30 मजदूर आलू के बोरे रैक पर रखे गए थे। क्षमता से अधिक आलू भरने से करीब 11 बजे एक रैक गिर पड़ी। काम में लगे मजदूर संभल पाते ही इससे पहले ही छत गिर गई। देखिए संभल से जाबिर गाजी की ये खास रिपोर्ट।